इंदौर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन कर ब्लैकमेलिंग कर रहे एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवतियों के फोटो लगाकर पहले प्रोफाइल बनाता, फिर रिटायर अफसरों या संभ्रांत लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता, फिर उनसे अश्लील बातें शुरू कर उनका वीडियो बना लेता। इस तरह इन लोगों ने इंदौर में करीब 100 लोगों के साथ हरकत कर 10 लाख रुपए की अवैध वसूली की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सूरत के एक व्यक्ति ने इंदौर पुलिस को शिकायत की। उस व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस थाना विजयनगर ने स्कीम नंबर 54 के एक फ्लैट में छापा मारकर मुख्य आरोपी संदीप शर्मा और उसके साथी मोनू राठौर, अमन जाट और सचिन धाकड़ को पकड़ा। इनके पास से कई संदिग्ध वीडियो और कई अन्य चीजें भी मिली हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आप लोगों को भी जानकारी समय समय पर लगती है कि कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन लोगों से दोस्ती करते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्ती करते हैं और उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और प्राइवेट टाइप की बातें करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करके सामने वालों को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे एक गैंग का खुलासा विजयनगर पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें 4 लड़कों की टीम थी जो कि शिवपुरी के रहने वाले थे और यहाँ पर आके वो इस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। इनका जो कार्य करने का तरीका था, फेसबुक की प्रोफाइल खंगालते थे लोगों की, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी चाकरी करता है, पेमेंट कर सकता है और उसको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते थे। एक व्यक्ति जब उनके जाल में फंस जाता था तो उससे ब्लैकमेलिंग का ये लोग प्रयास करते थे। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और किन किन लोगों को इन्होंने ठगा है उसकी जानकारी ली जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी एक प्रकरण इसमें दर्ज किया गया है और भी हमको जैसी शिकायतें मिलेंगी इसमें और भी मामले दर्ज किए जाएंगे। इनके पास एक सेट ऑफ वीडियोज थे, एक डाटा था पहले से ही लड़कियों का और बातचीत का, अन्य जो आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं उनका, उस डाटा का उपयोग करते थे ये चैट के दौरान और वीडियो कॉल के दौरान। और जब व्यक्ति उस पर बात कर रहा होता था तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लेते थे और बाद में वही चीज़ दिखा के जो सभ्य व्यक्ति थे उनको वो ब्लैकमेल करने का प्रयास करते थे। सर, अभी तक कितने लोगों को अभी इनकी संख्या काफ़ी जाएगी, ये लंबे समय से काम कर रहे हैं जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में आया है। अभी वर्तमान में इंदौर में ये कुछ समय से थे और करीब 100 के लगभग लोगों को इन्होंने अपने पीड़ित बनाया है और करीब 10 लाख के लगभग की राशि इन्होंने अभी हड़पी है लोगों से और इसमें पूछताछ किया जा रहा है। इसमें आगे जैसा तथ्य आएगा और कार्रवाई की जाएगी। अभी जो अपने पास गैंग मिली है उसमें कोई नहीं शामिल है। ये डाटा अलग अलग लोगों से खरीदते थे, जैसे जो आपत्तिजनक वीडियो इत्यादि हैं वो इन किसी अन्य व्यक्ति से खरीदते थे, सिम कहीं और से खरीदते थे, खाता किसी और का उपयोग करते थे। तो ये सभी जो रैकेट है या इसके सोर्स हैं जो जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं सभी का परीक्षण किया जा रहा है, सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चय ही ये पूछताछ का वो विषय है, पूछताछ में जो भी चीज़ें आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा मेरे द्वारा बताया गया अभी वर्तमान में इनकी टीम में कोई लड़की नहीं है और पूछताछ में आएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।